लेकिन आज पता नहीं मेरा दिन कैसा जाने वाला है। आप लोग ये मटर का पराठा जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत यम्मी बना है। गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SS पैशन में। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप देख सकते हैं आज सुबह सुबह ही मुझे किचन में आना पड़ गया, बहुत दिनों के बाद मैं इतनी सुबह सुबह किचन में गई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना, लेकिन आज जाना पड़ गया। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ गरम गरम पानी, उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बिना गरम पानी पिए तो मैं चाय भी नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ गुड़ वाली चाय बनाने के लिए। मैं हस्बैंड को बोली कि आप डायरेक्ट ब्रेकफास्ट कीजिएगा कि चाय पीजिएगा, वो बोले पहले चाय पिला दो उसके बाद वो नहाने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे बनाती हूँ गुड़ वाली चाय। पानी में एक कप पानी ली हूँ और इसमें मैं डालती हूँ एक तेज़पत्ता, थोड़ा सा अदरक और जब और एक चम्मच मैं इसमें डाली हूँ चाय पत्ती, और जब बॉयल आने लगता है तो डाल देती हूँ 2 कप दूध। मॉर्निंग में मैं चाय थोड़ा ज़्यादा पीती हूँ, इसलिए 1 कप पानी और 2 कप दूध लेती हूँ। बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है फ्रेंड्स। इस तरह से आप लोग गुड़ वाली चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जब तक मेरा चाय खोलेगा ना, इधर मैं अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं एक प्याज, 5 से 6 लहसुन और 3 हरी मिर्च काटी हूँ। तो वैसे आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मटर का पराठा, तो मैं सोची कि चाय के साथ साथ मटर भी फ्राई कर लेती हूँ, पर वो हो नहीं पाया क्योंकि उससे पहले मेरा चाय बन के रेडी हो गया। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके मैं इसमें 2 चम्मच गुड़ का पाउडर डाल देती हूँ और इसे मिलाने के बाद मैं इसे छान लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हस्बैंड को तो मैं कप में दे रही हूँ, पर मैं खुद ले रही हूँ ग्लास में। ये वही ग्लास है जिसमें मैं गर्म गर्म पानी पी हूँ। तो सोची क्या इसे जूठे में डालना, चलो अपना ही जूठा है तो इसी में चाय भी पी लेते हैं। तो चाय फिनिश करने के बाद मैं फटाफट से फिर से किचन में आ गई हूँ और स्टफिंग तैयार कर रही हूँ पराठे के लिए। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे जीरा और थोड़ा सा हींग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मटर थोड़ा गैस करता है तो सही रहेगा और डाइजेशन में तो हेल्प भी करता है। उसके बाद इसमें लहसुन, मिर्च और प्याज को डाल के ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा। और उसके बाद इसमें मटर डाल के नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का मसाला डाल के मिला लेना है और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि मसाला भी हमारा अच्छे से पक जाएगा और मटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो जब तक हमारा मटर सॉफ्ट हो रहा है, इधर हम फटाफट से इसका डो तैयार कर लेते हैं आटे का। तो आटे में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसका डो तैयार करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है इस पराठे में कि डो थोड़ा सॉफ्ट बनाना होता है, तभी आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा इसे बेलते टाइम। तो आप देख सकते हैं, देख के लग रहा है ना यम्मी, लग रहा है जैसे ऐसे ही खा जाए। तो इसे ठंडा होने देंगे इस मटर को। तो मटर को ठंडा होने में तो 10 मिनट लग ही जाएगा। तो जब तक हमारा मटर ठंडा हो रहा है, इधर मैं अपना बेड और हॉल का बेड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड गए हैं नहाने के लिए और जब वो नहा के आते हैं तो पूजा करते हैं। तो रूम थोड़ा अरेंज रहता है तो पूजा करने में अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रूम थोड़ा अरेंज करके रखूँ। और इधर मेरा मटर भी ठंडा हो चुका है तो इसे मैं पीस लूँगी। तो बहुत ज़्यादा इसको स्मूथ नहीं करना है फ्रेंड्स, ऑन ऑफ करके पीसिएगा, नहीं तो कंटिन्यू पीसिएगा तो इसका कुछ उम्र निकल जाएगा। दरदरा इसे पीसना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसका ये स्टफिंग होना चाहिए मटर का। तो जब तक मेरा स्टफिंग मैं पीस रही थी ना, तो इधर मैं तवा भी चढ़ा दी थी क्योंकि मुझे फटाफट से अपना ब्रेकफास्ट बनाना है। तो मैं फटाफट से हमें अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके बाद मुझे और भी कुछ कुछ काम करना है, जैसे कि हस्बैंड का जो कपड़ा है ना वो भी आयरन करना है। ऐसे तो आयरन करके रखा ही रहता है, लेकिन होता है ना बहुत दिन तक उसे आप फोल्ड करके रखो ना तो वो सिकुड़न आ ही जाती है, तो उसे भी ठीक करना है हमको। और कुछ कुछ और साइड से भी तो काम रहता ही है, तो वो सब फिनिश करना है। तो फाइनली मेरा पराठा बनके रेडी हो गया, बक 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 करते करते पराठा ही बनके रेडी हो गया। ऊपर से मैं एक टिश्यू पेपर रख देती हूँ ताकि ऊपर का जो पराठा है ना वो गीला ना हो। आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब आप ऊपर टिश्यू नहीं लगाते होंगे ना, तो ऊपर का जो रोटी है, पराठा है, चपाती जो भी हो, उस पर पानी टपक जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं ऊपर से टिश्यू पेपर लगा देती हूँ। I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. देखिए, मैं भी कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो मेरे हस्बैंड जा चुके हैं अपने ऑफिस, और ये कितने साल के बाद जा रहे हैं, जब से कोरोना चला ना तब से उनका काम वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। तो इतने दिनों के बाद वो आज ऑफिस गए हैं गाइस। 9:30 में निकले थे, अभी 10:00 हो रहा है। और
होता है ना, एक आदत सी लग जाती है हस्बैंड के साथ, एक रूटीन हो जाता है, दोपहर का लंच बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आज पता नहीं मेरा दिन कैसा जाने वाला है, आपको नहीं पता। तो देखती हूँ, फिलहाल तो मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, बेड बन चुका है, डस्टिंग मतलब घर अरेंज हो चुका है, ब्रेकफास्ट बन चुका है, और लंच मैं कुछ खास नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि अकेले खुद के लिए लंच बनाने का मन नहीं करता। जैसे हस्बैंड होते हैं ना तो प्रॉपर मील बना दो लंच में, ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन अकेले खुद के लिए क्या बनाना। तो मैं बहुत ही लाइट कुछ अपने लिए बनाऊंगी, और जो मैं बनाऊंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और देखती हूँ मेरा दिन कैसा जाता है। कोशिश करूंगी अपने आप को अच्छे से बिजी रखूँ। आप लोग ये मटर का पराठा जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत यम्मी बना है। और उतने स्टफिंग में 7 पराठा बन गया था, बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो चलिए खाकर मिलते हैं आप लोग से। गाइस मैं फिर से आ गई हूँ किचन में अपना लंच बनाने के लिए। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था लंच बनाने के लिए, अभी 1 बज रहा है दोपहर का, मन तो नहीं हो रहा था, पर कुछ तो बनाना ही पड़ेगा खाने के लिए, है कि नहीं। और ब्रेकफास्ट के बाद ना मुझे नींद आ रही थी, अकेले थोड़ा सा लगता है कि क्या किया जाए, तो नींद आने लगी थी। पर पता नहीं कैसे आज में जो मेड है वो जल्दी आ गए थे, तो 12 बजे आती है, पर वो आज 11:15 बजे ही आ गई है। 11 बजे आई और 12 बजे काम करके चली गई, तो मेरा थोड़ा सा मन लग गया वो आई तो। उसके बाद मैं अपना कुछ कुछ काम कर रही थी और अपने फ्रेंड से बात की। आज मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम है जयश्री, तो आज उसके शादी का सालगिरह है, तो मैं उससे बात की, अपने सिस्टर से बात की, भैया से बात की। तो ऐसे करते करते मेरा समय निकल गया। फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने जा रही हूँ ये मशरूम फ्राई। आप देख सकते हैं ये मशरूम है, कुछ भी ऐसा कुछ खास रेसिपी नहीं है, बस मशरूम को मैं हल्का हल्का मसाला डाल के बस फ्राई कर दूंगी, बस भाई। ज्यादा कुछ मसाला हेवी खाने का इच्छा हो नहीं रहा है, तो मैं तेल भी बहुत कम डाल रही हूँ, 1 चम्मच थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जीरा। बस जैसे जीरा हमारा क्रैकल होगा तो इसमें मैं डाल दूंगी ये मेरा मशरूम। तो बस 2-3 मिनट में मैं फ्राई कर लूंगी, हल्का रेड रेड हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा। इसके बाद मैंने बेसिक जो मसाला होता है ना वो मसाला डाल के इसे 10-15 मिनट के लिए कुक कर लूंगी, बस हमारा मशरूम फ्राई रेड रेड हो जाएगा। I can feel the sweat inside my palms, play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings, you don't ever wanna give me wings, you don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Think you're something out of my कि गीला वाला चावल और साथ में मशरूम फ्राई, यही अच्छा लगता है। ये जीरा भी हमारा क्रैकल हो गया, उसमें डाल देते हैं पानी और कुकर का लीड लगा के 8-10 मिनट चलाते किसी में पकाएंगे, तभी तो गीला होगा, नहीं तो चावल बन जाएगा। इसे थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर आएगा, बस हो गया। ला देते हैं इस तरह से, मेरा मशरूम का सब्जी तो बनके रेडी हो गया फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कितना कम हो गया बनने के बाद। और अगर आप डाइट पे है ना तो इस तरह से आप बना के मशरूम खा सकते हैं, एकदम लाइट मसाला, आप ऑयल भी दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एकदम सूखा सूखा, और खाने में अच्छा भी लगता है। अगर आपको मशरूम पसंद है ना तो आपको अच्छा लगेगा ये। तो बस प्लान करते हैं और अपना हम जा रहे हैं प्लेट लगाने लंच का। गाइस फाइनली मैं जा रही हूँ अपना लंच करने,
साथ में मैं टीवी देख रही हूँ, क्राइम पेट्रोल दे रहा है, तो क्राइम पेट्रोल देखते हुए मैं अपना लंच फिनिश करूंगी। अच्छा लगता है क्राइम पेट्रोल देखना मुझे, अच्छा टाइम पास के लिए सही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पेंट करती हूँ फ्रेंड्स, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।